दोस्तों, मैं हूं नसीर तकाले और आप देख रहे हैं आज की न्यूज़। आज की न्यूज़ में आपका स्वागत है दोस्तों। सबसे पहले, इस बीमारी ने सभी को परेशान किया है और लॉकडाउन लगाकर गरीब अमीर सबको परेशान किया है, लेकिन इसमें सब में ज़्यादा गरीब परेशान है। रोज़गार नहीं है उनके पास, धंधे नहीं हैं, इसलिए वो बहुत ज़्यादा परेशान है। और किनवट में बहुत ज़्यादा तकलीफदा कर रही है किनवट नगर पालिका, और ये गरीब लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, क्योंकि पिछले 2 साल से किनवट नगर पालिका ही बहुत ज़्यादा लोगों को परेशान करती हुई दिखाई दे रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अतिक्रमण के नाम पर दुकानों को उठाया जा रहा है। किनवट भाजी मार्केट में भी इससे पहले अतिक्रमण के नाम पर पूरी भाजी मार्केट की ऐसी की तैसी की गई है और पूरे भाजी मार्केट को तोड़ा गया है। किनवट नगर पालिका पूरे रोडों को तोड़कर ऐसी की तैसी की जा रही है, लेकिन उसके ऊपर कोई नेता या कोई नगर सेवक या कोई जो भी यहाँ का किनवट का नेता है आज तक आवाज़ नहीं उठाई है, क्योंकि यहाँ पर सब मनमानी किनवट नगर पालिका की चल रही है, ऐसा किनवट के निवासी और किनवट की जनता कह रही है। ये मेरा ठेला है, जान बूझ के तोड़े, गुस्सा आया करते उनको हम तोड़ दिए बोले। गुस्सा सबको आता, हम आधा घंटा में सबको बोल के गया था कि भाई, सबको बोल के गया मैं, अभी आधे घंटे में आ रहा, गाड़ी वाले को बात करा, सब करा, तुम बिना ठेला क्यों तोड़े? वो भी तो उठा के ढकले भी नहीं, चूरा कर दिए पूरा, कुछ भी काम में नहीं आता, इसकी भरवाई कौन देगा? वो मैं ठेला ले जाता नहीं, नगर पालिका में जमा कर दो बोलना। तो आपको मेरे को नहीं दी गई? नहीं, नोटिस नहीं है, मैं आके बायदा भूल के गया सबको। अच्छा, कि भाई मैं आके ले जा रहा। इससे पहले दुकानों को तोड़कर आपको जगह दी गई थी? जगह दी गई थी। जगह देने के बाद भी नहीं बोला जा रहा है, क्यों उठाया जा रहा है, क्यों परेशान किया जा रहे? हर बारी को परेशान, 3 जगह से 4 जगह आए वाला है। 4 जगह जब नगर पालिका खुद मार्किंग करके दी, तो फिर उठाने का कारण क्या था? उठाए तो उठाए, हम अच्छे से उठा रहे थे ना, तुम चूरा क्यों करे, तोड़ फोड़ क्यों करना है तुम्हारा, इसका नुकसान कौन भर पाएगी? हाँ, मैं तो ठेला नहीं ले जा रहा, ठेला देखो तुम, ठेला की वीडियो शूटिंग लो। अच्छा, ठेला पूरा चूरा होगा, सिर्फ मेरा अकेले का हुआ, दूसरे का किसका नहीं हुआ? तो अगर वो अगर मेरे को भरपाई नहीं मिली तो मैं नगर पालिका के सामने उपोषण बैठने वाला हूँ। देख सकते हैं, अगर इसके उठाए मेरा ठेला, मैं जब आके तुमको बोल के गया तो तुम क्यों उठाए, तुम चूरा क्यों करे? ठेला पूरा चूरा होगा, कुछ भी काम में नहीं आता। ये यहाँ के कर्मचारी है, कहते कर्मचारी नगर पालिका कहाँ गई है? फिर लोगों को नुकसान करने का आया। यहाँ पर देख सकते हैं कि एक व्यापारी, एक जो दुकानदार है, उसकी गुस्से की क्या इंतहा है देख सकते हैं। दूसरा, इनसे पूछ सकते हैं कि ये ठेला क्या ये, हुआ? ये जगह ऑलरेडी मस्जिद के सामने के लोग, ये मस्जिद और पोस्ट ऑफिस के सामने के लोगों को उठाकर नगर अध्यक्ष, उपनगर अध्यक्ष और कुछ मेम्बरों ने मारकोट डाल के ये जगह दी। हाँ, उसके बाद में इस जगह पर अचानक JCP लाकर सबका तोड़ कर दिया है, और तोड़ फोड़ करके एक पर विशेष करके वो एक अधिकारी, 2 अधिकारी, उनको गुस्सा आने की वजह से वो बेचारे गरीब का रोज मजूरी करके उसमें कुछ करता है, वो उसका ठेले का पूरा तहस नहस कर दिए। मेरे हिसाब से उस अधिकारी को सस्पेंड करना चाहिए, मेरी मांग। तो आप ये, और किनवट की जनता ये कह रही है कि हमको इन नगर पालिका के जो भी अतिक्रमण उठा रहे हैं उनसे बचाइए। यहाँ पर देख सकते हैं आप, बुलडोजर के ज़रिए यहाँ पर दुकानों को तोड़ फोड़ किया जा रहा है और अपनी मनमानी की जा रही है, क्योंकि यहाँ पर इससे पहले भी नगर पालिका ने दुकानों को तोड़कर ये जगह दी थी। 18 जो जगह हैं, 18 है ना, 18 जगहों को, दुकानों को यहाँ पर देकर मार्केट में बसाया गया था, लेकिन फिर और आज किसी वजह से ये मार्केट, ये 18 दुकानों को तोड़कर उनके मनमानी के हिसाब से तोड़ा जा रहा है। और देखिए, आप देख सकते हैं पूरे जो भी ठेले हैं तहस नहस करके, उनके जो भी सपनों का सपनों की दुकान है उनको तोड़कर तहस नहस कर क्लियर कर रहे हैं जगह को। तो यहाँ पर ऐसे ही एक दुकानदार है, उनसे पूछते हैं उनकी मांग क्या है। हमारी एक नगर पालिका जो नवी आज बनी, वो नगर पालिका नवी दुकान के सामने मेरी एक ठेला था वहाँ,
मैं एक के पास से ख़रीद के लिया था, रवि बोल के शौकार है क्या सर उसके पास से। बाद में मस्जिद के सामने एक दुकान थी, मेरे टेंट हाउस की दुकान है फुगीर सामने है। अच्छा। तो सामान एक दुकान में नहीं बैठता, इसलिए मैं दो जगह अलग अलग करके सामान रखा था। दो जगह वहाँ मेरी दो जगह ठेले थे, मेरे वहाँ के भी दो ठेले अड़चन हो रही है, अड़थड़ा आ रहा बोल के उठा दिया, मैं उठाने लगा दिया। उठाने लगाने के बाद में गोंड राजे मैदान में बहुत दिन पड़े रहा वहाँ पे। बाद में नगर पालिका वाले यहाँ पे मेरे को जगह दिए, 17 दुकाना यहाँ पे बिठाए, मेरे एक कुछ नहीं दिए, 17 जगह दुकाना दिखाए, वो मोइन को दिए, मेरे को दिए, उसके हजाम को दिए, वहाँ पे वेल्डिंग वालों को दिए, ताहिर भाई टेलर को दिए, वो पत्रकार जोशी को सबको दिए, ऐसा मारकोट डाल के 17 दुकाना दिए, जिसमें से मैं यहाँ बैठा। आज मैं 15 से 20 दिन भी नहीं हुए मेरे को, मैं 1-1.5 लाख रुपए लगा के उसको बना उना के बैठा। बैठने के बाद आज उठा दो बोल रहे, क्यों उठा दो बोल रहे, क्या क्या है कि वो नोटिस नहीं दिए, कुछ भी नहीं दिए, क्या भी नहीं दिए, दुकान उठा दो बोल रहे, पता नहीं। पहले तो हमारी दुकान हम बोले उनको तो दिए दुकान, अब बिठा दिए, अब उठा दे रहे तो हमारा नुकसान हो रहा ना, हम कहाँ जा रहे हैं, हम 1 रुपया भी नहीं कमाए इसमें, 1 लाख रुपए पेट काट करके हम यहाँ बिठाए। 2-3 साल से कोरोना थे, दुकाना बंद है, और मेरा तो धंधा टेंट हाउस का ऐसा धंधा है कि मैं मंडप लगाया तो भी नहीं दिखने वाले को भी दुकान दिख जाती, मंडप दिखता बोल के मैं चोरी छुपे भी नहीं कर सकता। तो कोरोना की वजह से हमारे 2-3 साल बंद, अब जरा कोरोना हटा, अब हम दुकान धंधा कुछ करेंगे बोलकर यहाँ लगाए, चालू करे तो दुकान उठाने को लगा दिए। अब करना क्या समझ में नहीं आ रहा, क्या करना, बोले तो उन दुकान उठा देते बोल रहे, तोड़ देते बोल रहे, नहीं बोले तो फिर वो आके बोल रहे तो पुलिस वालों को लाके डरा रहे, कर रहे क्या कर रहे, नगर सेवक का कोई कुछ नहीं बोल रहे, नगर सेवक का बोल रहे हम नहीं बोल सकते, बोले बीच में बोलो आके बोला नगर सेवक का हम आके नहीं बोल सकते, बोल रहे किसके पास जाना बोल के, किसके पास जाना हम नगर सेवक, बोले ना जगह इन्हों दिया, इन्हों तोड़ डाले, नगर पालिका वाले दिए जगह कई को दिए, फिर पहले डाल के दिए 17 दुकान। अच्छा, देना नहीं था हमारे को 1-1.5 साल नहीं दिए तो हमारा आज 1 लाख रुपए इसमें लगने इन्वेस्टमेंट वो तो नहीं होता था ना हमारा, आज हमको तुम दे के हमारा उल्टा नुकसान कर दे रहे, हम 2 रुपए तो कमाई नहीं करके दो, हमारे 2 रुपए कमाई नहीं ना, और हमारे को जगह भी नहीं होना बाद में क्या करने के। अच्छा तुम ठीक है, तुम ग्राउंड बना रहे, तुम ग्राउंड बनाएंगे तो पब्लिक ही चाहेंगी, रोड शो होगा पब्लिक आएंगी, इतना खचा खच पब्लिक तो भर रही नहीं, पब्लिक तो इतना खचा खच भर रही नहीं, मगर एक दुकान रहेंगी तो हमारा पेट तो चलेगा इसमें, हमारा पेट पानी चलना जरूरी है कि पब्लिक खचा खच रहना जरूरी है, पब्लिक तो उतनी नहीं रही ना भाई, जितनी पब्लिक है ना मतलब ग्राउंड में उतनी पब्लिक तो खचा खच कभी नहीं भरी आज तक, प्रधानमंत्री की भी सभा हो जाती है तो उतनी पब्लिक जगह इसमें खचा खच नहीं भरती। और अगर ग्राउंड को उनको बनाना भी है तो 10-5 फुट पीछे से बना लिए तो क्या जा रहा। ठीक है, ये थी व्यापारी की मांग, जो कि व्यापारी बेरोज़गार होते जा रहे हैं, इसलिए उनकी मांग है, उनका आक्रोश है कि हमें कुछ जगह दे और जगह देकर इसका जगह का हल निकाले, क्योंकि ये जो जगह है 18 दुकान 25 दुकानों को जगह दी गई थी, वहाँ से तोड़कर यहाँ पर बिठाया गया था, लेकिन फिर यहाँ से भी तोड़ा जा रहा है, यहाँ से भी उठाया जा रहा है, इसके ऊपर पब्लिक गुस्से में है और आक्रोश में है, इसका हल कौन निकाल सकता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि कितना आक्रोश है, क्योंकि ये जो व्यापारी है कुछ दिन यहाँ पर रह रहे हैं और कुछ दिन वहाँ पर, ये 3-4 बार उनको नगर पालिका ने जगह दी और जगह देकर उसको उठाया जा रहा है, यहाँ पर ऐसे ही एक व्यापारी है, नगर पालिका वाले जगह दिए थे अपने को और उन्हें तोड़ दिए, टाइम भी नहीं दिए, कुछ भी नहीं दिए। अच्छा, ऐसा कुछ रहता क्या? तो पहले नगर पालिका जगह दी थी आपको? हाँ, पहले जगह दी थी, इन्होंने गिन के दिए नगर पालिका वाले। अच्छा, और उन्होंने टाइम भी दे रहे ना, और निकाल के फेंक दे, पूरा मेरा भी शटर तोड़ दिए, पूरा तोड़ दिए। हाँ, तो क्या मांग है आपकी, क्या मांग रही थी जी, उन्होंने दे रहे, उन्होंने तोड़ डाल दिया, अभी किसको मांगना जाके, किसके पास जाके क्या मांगना बोल के बोलो ना तुम, नगर पालिका वाले दे रहे, नगर पालिका वाले तोड़ दे रहे, और क्या बोलने का है, किसके पास जाके जगह मांगने का है हमारे को, बोलो ना तुम। देख सकते हैं और किन्नौर नगर पालिका ये दिन ब दिन बदनाम होती जा रही है, क्योंकि यहाँ के नगर सेवक कोई काम के नहीं, सिर्फ खाने के काम के है, नगराध्यक्ष, उपनगराध्यक्ष, नगर सेवक, ये पब्लिक के हित में काम करने वाले होते हैं, लेकिन ये पब्लिक के हित में काम नहीं करते हुए लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ऐसा ही है। किन्नौर नगर परिषद सिर्फ नाम की नगर परिषद रह चुकी है, किन्नौर नगर बसाने के लिए है, नगर उजाड़ने के लिए नहीं है, एक दुकान के पीछे 4-5 लोगों का पेट पलता है,
उन लोगों के पेट पे लात मार के काम कर रहे हैं। कागज के हिसाब से आप लेखी में दो तो ये बताएंगे ये हमारा काम नहीं है, आप नालियों के वीडियो भेजो इनको ये हमारा काम नहीं, आप स्वच्छता बताइए ये इनका काम नहीं है, ये बस दादागिरी फूड दबंग दबंग करने वाले हैं। इनको कहो चोरो बांधो बारा, आधा तुम्हारा आधा हमारा, अगर मैं बड़ा हूँ मैं पैसे खिलाऊँ तो मेरा कुछ नहीं होगा, अगर आप गरीब है तो आपका घर टूटेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर दुकानों को तोड़कर बिल्कुल तहस नहस किया जा रहा है और यहाँ पर सब व्यापारी के आँखों में आंसू है और कह रहे हैं कि हमें जरिया क्या है खाने पीने का और हम हमारे बीवी बच्चों का पेट किस तरह पालेंगे। माइकल पॉइंट ऑनलाइन सर्विस सेंटर सुभाष नगर रोड।